नमस्कार, आप देख रहे हैं AL News 24 और दिन भर की तमाम ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं तारा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मानगो बस स्टैंड में बस की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। पद्मश्री चुपनी महतो को मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस। धतकीडी से भारी मात्रा में पुलिस ने बरामद किया गांजा। और MGM अस्पताल में बढ़ी चोरी की घटनाएं। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मानगो बस स्टैंड में मची अफरा तफरी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे जमशेदपुर के बस स्टैंड में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक कुली बस की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि कुली थानो यादव एक बस के पीछे अपने ठेला पर बैठा हुआ था कि तभी आग में लगी एक बस उसके ठेले से जा टकराई, जिससे कुली वही पर बस की चपेट में आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानियों के सहयोग से उसे MGM पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बस और उसके ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं कुली के मौत हो जाने से अन्य कुलियों में घटना को लेकर काफी आक्रोश देखी जा रही है। वो सब वहाँ तो कुली बैठा हुआ था, ये मैंने के ठेला पर अपने रोजगार के लिए ठेला पर छाने, आगे भी गाड़ी था और पीछे भी गाड़ी था। अब को गाड़ी हुई वैसे ढुलक गया कि का हम देखा ना, बाद में हम जब पूरा दब गया था ठेला पर ही, तो हम लोग घिस कर को और हॉस्पिटल। और दर्शकों ने हम आपको बताते चले कि झारखंड में विलुप्त होती सहज आदिम जनजाति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही है, लेकिन नौकरशाही व लालकाशाही की वजह से योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही है, जिसके कारण आज भी सबल जनजाति मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और मुख्य धारा में नहीं आ पा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा पोटका टंगरायन के सबर टोला में 15 सबर परिवारों को 2006-07 एवं 2007-08 में 4 डिसमिल एवं 5 डिसमिल जमीन कृषि कार्य व मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई, मगर सबर परिवारों को सिर्फ जमीन बंदोबस्त का पर्चा थमा दिया गया। जमीन का सीमांकन कर दिखाया नहीं गया कि किनका जमीन कहाँ है। सबर परिवार जमीन के पट्टे को बक्से में बंद कर यही सोचते रहे कि उनके नाम पर जमीन है तो आखिर है कहाँ, सिर्फ कागज का टुकड़ा उन्हें थमा दिया गया। सबर परिवारों का कहना है कि यदि जमीन का सीमांकन किया गया होता तो हम सब यहाँ खेती कर अपना जीवन यापन करते, मगर आज जंगल की लकड़ियाँ काटकर और फल फूल गांव में बेचकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी उज्ज्वल मंडल ने कहा है कि इन सबर परिवारों की जमीन का सीमांकन कर कृषि कार्य में लगाया जाए तो इन सबर परिवारों को मुख्य धारा में लौटाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई सबल जनजाति की। अब बात करते हैं वैश्विक महामारी कोरोना की। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना का दूसरा लहर काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर झारखंड सरकार ने एडवाइजरी जारी करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन हरकत में आ गई है, जिसके बाद लगातार प्रशासन मुस्तैद हो रही है। और वही इसी कड़ी में गुरुवार को DDC लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में आपात बैठक आयोजित की गई। सेकेंड फेज का जो हमारा कोरोना का बढ़ोतरी है वो दिनों दिन बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, हमारा जमशेदपुर में भी बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए आज हम लोगों ने इसकी रोकथाम के लिए बैठक किया है तैयारी के लिए, और सारे हॉस्पिटल्स को अधिक से अधिक बेड बढ़ाने के लिए टारगेट दिया है। और सारा सुविधा जो चाहिए ट्रीटमेंट के लिए वो सारा सुविधा प्रॉपरली होना चाहिए, उसके लिए आज तैयारी का बैठक था जो हम लोगों ने किया। बैठक में कौन कौन लोग थे? इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग थे और हमारे जितने इंसिडेंट कमांडर थे BDO CO से लेकर के सारे लोग जो इंसिडेंट कमांडर हैं सारे लोग थे, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग थे, हमारे जिला के पदाधिकारी थे, सारे लोग इस मीटिंग में थे। निर्णय क्या था सर? मेन जो अभी बरतना है और वो हम लोग करेंगे। और यहाँ आपको बता चले कि जमशेदपुर में दो दिन पूर्व घटित मारपीट की घटना में पुलिसिया कार्रवाई से नाखुश कर्फ्यू भूया तथा उनके परिचित अधिवक्ता ने जमशेदपुर के सीनियर SSP से मुलाकात की। बताते चले कि जमशेदपुर सीतारामरा थाना अंतर्गत होली की शाम में टिंकू भूया नाम के व्यक्ति ने कर्फ्यू भूया पर बोतल से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। कर्फ्यू भूया के परिजनों का कहना है कि सीतारामडेरा थाना प्रभारी टिंकू भूया पर कार्यवाही न करते हुए मामले की जांच करने का बहाना बना रहे हैं। दूसरी ओर लगातार टिंकू भूया कर्फ्यू भूया पर केस उठाने की बात को लेकर दबाव बना रहा है।
जिस कारण आज कर्फ्यू भुइयां अपने परिचित महिला अधिवक्ता तथा अपने परिवार के सदस्यों के साथ सीनियर एसपी से मिले और उचित कार्यवाही की मांग की। दो दिन पहले मारपीट हुई है, टिंकू भुइयां नामक एक व्यक्ति ने उसे बुरी तरह से मारपीट करके घायल कर दिया, जिसमें इसका मुंह का जबड़ा और सर फट चुका है और ना अभी ये बात करने की स्थिति में है ना खाना खाने की स्थिति में है। और मैंने इनको कहा कि जाओ आप जाकर FIR लॉन्च करवा लो सीताराम देव थाना प्रभारी के पास, तो उन्होंने ये कहा कि ये जांच का विषय है, मैं जांच करूंगा, ना ही इसे रिसीविंग दिया गया और ना ही उसकी अरेस्टिंग हुई है। अभी वो बंदा पूरी तरह से घूम रहा है, लगातार इनको धमकियां मिल रही है कि तुम लोग अगर थाना जाओगे केस करोगे तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। ये देखिए इनको रिसीविंग भी नहीं दिया गया है और ये गंभीर रूप से घायल है। मैं आज यहाँ सीनियर SP के पास आई हूँ मिलने के लिए और यह बात बोलने के लिए कि यह जांच का विषय नहीं है, ये बंदा ये मर सकता है और प्लीज ऐसे क्राइम में आप ये ना बोलो कि ये जांच का विषय है, आप तुरंत उसकी गिरफ्तारी करो। और रिहैबिलिटेशन सेंटर की संचालिका और इस साल के पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए छुट्टी महतो को जिला परिषद उपाध्यक्ष आशु ने कहा माझी साहब ने देख लेने की धमकी। आपको बता दें कि बीते रविवार को जिले के तिरुलडी थाना क्षेत्र के कुदा गांव की दुर्गा महतो को उसके ही गांव के टिकर मुंडा नामक व्यक्ति ने ओझा बनकर डायन करार दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों के इशारे पर कुछ लोगों ने दुर्गा महतो की बुरी तरह पिटाई की थी, जिससे दुर्गा महतो बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो गई थी, जिसे जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही पद्मश्री छुटनी महतो पीड़िता की बहन शेफाली महतो की शिकायत पर तिरुलडी थाना पहुंची और थाना प्रभारी से मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज करने की बात कही। पहले तो थाना प्रभारी ने टालम टोल किया, लेकिन बाद में थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर लिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष माझी साव ने पद्मश्री छुटनी महतो को फोन पर केस उठा लेने की धमकी दी है। नहीं हम वो मेरे को फोन लगाया, तो हम इधर से जब फोन हमला किसका है, हम इधर से जब लगाए हैं तो बोला की हो रही तो सुधा बोल छी हमला कौन सुधा, तो बोल रहा हमला तुम्हें के, तो बोला की हम माझी साहू, हम लोग कहाँ का माझी साहब है, तिरुलडी तो थाना ही कोनो केस अच्छा, तो हम बोले कि मेरा केस नहीं है, केस तो उधरे का वो दुर्गा मातो को डायन कह करके मारपीट किया है, MGM लेके गया, पूरा गांव वाला ने उसको डायन कह के मारा है, लेकिन थाना वाला कुछ एक्शन नहीं लिया, तो हम थाना वाला को फोन किए मेरा नंबर किस कौन दिया, तो बोला हम थाना से लिए, तो थाना वाला को हम भेजे थे हम लोग जाओ गाँव में लोग को गिरफ्तार करके लेके आओ, ताकि वो मरीज हमारा अभी रिंस चला गया, तो बोला कि हमको कुछ सूचना नहीं मिला मैडम, हम कैसे जाएंगे, हम लोग तुम जाओ गांव में थोड़ा छानबीन तो करो। थाना वाला जब गया तो ये बोला कि आपका वही माझी साहब बोला कि नहीं तुम्हारा जैसा बहुत महिला समिति का हम गठन किए हैं, विचार किए हैं और समझाए हैं, कोई यहाँ डाइन उइन कोई नहीं कहता है, वो लोगों का बात दूसरा था इसीलिए वो मार खाया, तो हमला मेरा पास डाइन वाला खबर है और तुम बोला दूसरा। हाँ मंत्री को हम फोन कर दिए, जो अभी अच्छा से इलाज हो जाएगा, वो लोग आएगा, हम लोग यहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपको ये एक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है, तब हम फोन कर दिए भाई मेरे को एक्शन लेने का जरूरत नहीं है, तू धमकी बोला तुम इसको क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोग हमारा जिला का हमारा एरिया का हम आए ना, नहीं है बोला कि आप कौन है छुटनी मातो, हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम बोला हम छुटनी मातो पदम श्री है, तो बोला क्या पदम हम लोग नहीं जानते हैं। इसमें आवेदन आया हुआ है कि डायरी कर करके उसके प्रताड़ित किया गया था, तो इसी मामले में 4 व्यक्ति पर केस किया गया है, लिखित इसमें पीड़िता के जो पति हैं उन्होंने आवेदन दिया है, उनके साथ उनको डायन कह करके मारपीट किया गया है, पीड़िता अभी तो अपने घर पर ही है।